एक दलित भाई, वो जो है अच्छा सा कोट सूट पहन के कार में आया करके उसको पकड़ के जातिवादी गुंडे लोग 10 लोग मिलकर उनको इतना मारा। क्या हम क्या अच्छा कपड़ा पहनना क्या गलत है? जय भीम साथियों, मैं बापसा को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पर मेरे को बोलने का मौका दिया है। JNU ऐसी मंच होता है जो भी अपना बात रखे। यहाँ पर हम लोग बाबा साहिब के इस एनिवर्सरी में हम लोग आए, एक इकट्ठा हुए इस फेलोशिप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बात है, आज देश में बाबा साहिब के बारे में हमारा प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, प्रेसिडेंट भी बात करते हैं, सभी लोग उनको बहुत आदरणीय के साथ उनका जो योगदान है संविधान लिखने में बात करते हैं। मगर क्वेश्चन इस बात का है कि सवाल इस बात का है कि दलितों में क्या हो रहा है? बाबा साहेब के नाम के हम लोग मानते हैं, बाबा साहेब के संतान है हम लोग, उनका वारिस है आइडियोलॉजिकली, फिर भी हम लोग साथ क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर को तारीफ करते हैं, हर कोई मानते हैं, मगर रियलिटी में क्या हो रहा है? ये जो घटना घटी अभी मैं बोलने वाला हूँ, 23 को ये घटना जो है नवंबर 23 में सिर्फ पहला पिछला महीने हुआ है। एक दलित भाई, वो जो है अच्छा सा कोट सूट पहन के कार में आया करके उसको पकड़ के जातिवादी गुंडे लोग 10 लोग मिलकर उनको इतना मारा। क्या हम क्या अच्छा कपड़ा पहनना क्या गलत है बताइए? या हम कार में आना गलत है, या हम बाइक चलाना गलत है? एक इंसान अच्छे कपड़ा पहनना गलत है क्या? दलित है करके ऐसा पकड़ के मार के उसको एकदम कपड़े उतार कर लंगा करके भेजा है। वो उस ब्रदर का पिताजी भी आके हाथ जोड़ के मेरा बेटा को छोड़ दो, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां तक चड्डी तक उतार के छोड़ा। और उस इलाका का जो लोकल पॉलिटिशियन है, पंचायत प्रेसिडेंट है, वो भी उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि मैं केस मत कराओ, समाधान हो जाओ करके ऐसा कर रहा है। पहले उनको चेतावनी देना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, उनको सपोर्ट कर रहा है। और पुलिस वाले भी समाधान हो जाओ करे समाधान कर दे। और ये भी सुनने में आया कि उनको बोला किया है, नहीं नहीं इसका कपड़ा वो अपने आप उतर गया लुंगी से, वो पी के आया। असली बात ये भाई साहब अच्छे कपड़ा पहनकर कार में आए हैं, असली में ये मलेशिया से आए हैं, यहाँ में अपना दलित भाई का शादी हो रहा था, शादी में आए हैं। मगर ये बेवड़े जो है 10 लोग, दो सामाजिक दुश्मन लोग हैं, उन लोग उनको पकड़े पीट के कपड़ा उतार के कर दिए। और पुलिस लोग को बोला गया इन लोग ये पी के आया था, कपड़ा अपने आप उतर गया। कैसा उतरेगा भाई, हम लोग भी कपड़ा पहन के जाते हैं। और वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन पंचायत प्रेसिडेंट, वहाँ का थाना FIR भी नहीं काटता है, अरेस्ट अभी तक नहीं किया। ये जो अपना सतीश भाई है, इनका नाम है सतीश, तंजावुर में पट्टुकोट्टे के बगल में करपुर करके गांव है, करपुर उस विलेज में ये हादसा हुआ है। या कोई हमारा जो है दलित पॉलिटिशियन जो लीडर है संगठन वाले लोग हैं, इसमें ज्यादा जोर देना चाहिए। SC ST के साथ हमेशा होता आ रहा है इसी तरह, मगर इन लोग भी बाबा साहिब का नाम लेंगे, साथ देते बोलेंगे, मगर आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। यहां की वहां का लोकल पॉलिटिशियन MLA MP वो सब उनको सपोर्ट करने जैसे एक बना रहे हैं, ये इशू बन के बड़ा नहीं होना चाहते हैं। हम लोग ये हमें दिल्ली में JNU से बापसा गए और से भी हम लोग इसको कंडम करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए उस 10 को जो पीकर हमारा दलित भाइयों के साथ SC ST के साथ
इस तरह बदतमीजी भी करते हैं, जहां तक कपड़ा भी उतार के छोड़े, क्या तो बच्चा है? और क्या हम दलितों के पैदा होना के गलत है क्या? वो हमारा गलती है, हम कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ऐसा हो रहा है आज भी हमारा साथ, क्या हो रहा है? मगर हर भाषण में वो लोग बोलेंगे हम तुम्हारा साथ है। कहां साथ है भाई? कपड़ा भी उतार दिया, बच्चा ही क्या है? आज जो इनका साथ हुआ है, कल हम सबसे वो होने का चांस है। ये लोग क्या जताने जा रहे हैं? तुम चीख से कपड़ा नहीं पहनना, कार नहीं खरीदना, घर नहीं बना, हमारे जैसे तुम भी मेहनत करो ना। वो भैया कार में आया तो चोरी करके थोड़ी आया, अपना मजबूत, वो भी काम विदेश जाके कमा के आया। एक दलित विदेश जाके कमा के कच्चा एक कपड़ा पहन में कोट छूट में आया या कार में आया, तो इन लोग उनको तारीफ करना चाहिए। या तुम उस तरह बन के आओ, हम जरूर हाथ मिलाएंगे, तेरे को इंकरेज करेंगे, हाँ भाई सही क्या, अपना गांव से तुम इतना तुझे कमा के लेके आया। मगर एक दलित ऐसा नहीं आना। इन लोग पी पा के उनका साथ अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये देख रहे हो ना, ये फोटो उन्हीं का है, ये भाई सतीश भाई का है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, या कोई पॉलिटिशियन अभी तक बोला है कि इसको हम कंडम करते हैं। हम लोग का जो मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, और हमारा जितना भी संगठन का लोग है, हम सब यही बोल रहे हैं उस गुंडे लोगों को, उस बेवड़े लोगों को अरेस्ट किया जाए। वो पी के ऐसा करते हैं, जो अच्छा खासा कार चला गया उनके ऊपर रखते हैं, अपना धोती खुल गया बोलते हैं, कैसा खुल जाएगा अपने आप? ये हमारा साथ हमेशा होता है। जैसे इनका घर जलाना हमेशा का धंधा हो गया, फिर समाधान कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आज घर जलाओ, कल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोई पॉलिटिशियन जो पकड़ के ले क्या या डराएगा। अभी वो उनको भी जान लेने का धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, कल उसका जान भी चले गया। और बच्चा ही क्या, मान ही चले गया तो और क्या है? अगर उसको कुछ कर लेता क्या होता? हमारा भाई अभी भी हिम्मत रखा है, हम लोग इंसाफ लेके देंगे करके। हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, कर्पूर सतीश के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। हमारा दिल्ली ये बापसा ये जेएनयू की तरफ से हम लोग जो है इस जो आदत को कंडम करते हैं, और सतीश के जस्टिस मांगते हैं। हम किसी की कमाई नहीं कर रहे, अपना मेहनत से कमा के आए हैं। भाइयों ये जो घर जलाना ये सब करने का आदत हो गया, इनका कपड़ा उतार के छोड़ना भी इनका ऐसी आदत बन गया, रोज का रोज बन जाएगा ऐसा। मैं अंडमान निकोबार का हूं, मैं जब मेरा पेरेंट्स से पूछा हूं, मेरा अम्मा अब्बा से, आप लोग कैसे इधर तमिलनाडु से इधर आए, तब उन्होंने कहा 80s में हमारा घर जलाया गया है, पूरा बस्ती पूरा गांव जला दिया गया है। तब मेरे माँ बाप ने हम लोग को लेकर अंडमान पहुंचे, उधर ही पैदा हुए होकर पढ़ के आए हैं। भले इसी तरह लोग करते, उसका सदमा अभी भी हमारा अंदर है। भले घर बुझ गया, हमारा अंदर अभी भी जल रहा है। या हम अंडमान चले गए, या विदेश चले गए, या कुछ रिजर्वेशन लिए, नहीं, अभी भी हम जनरल कैटेगरी में रहते हैं अंडमान में। फिर भी पढ़ लेके आए ना, इतना दूर आए कि नहीं? तुम भी मेहनत करो, तुम भी पढ़ो, तुम भी आ जाओ, कमाओ, आ जाओ। हम कहाँ जलते हैं? हम कपड़ा का पहन के आने से या कार में आने से तेरा इतनी जलन है, हैं? मारेगा, पीटेगा, लंगा करके भेजेगा। इस चीज को हम कंडम करते हैं। हम लोग जस्टिस मांगते हैं सतीश भाई के लिए, और उसको हौसला बढ़ाते हैं, सतीश भाई हम आपके साथ है। वो हरगिज हमारा SC ST और माइनॉरिटी के ऊपर बार बार इस तरह होता है, कभी केरला में होता है, कभी तमिलनाडु में होता है, कभी आंध्र प्रदेश में होता है, कभी आसाम में होता है, हैं? कभी यूपी में होता है। ये क्या हो रहा है? इसको हम लोग कंडम करते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे भाई सतीश को कर्पूर का गांव का है, वो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट का है, पट्टुकोटे के बगल में वो गांव, वो भाई सतीश को जस्टिस दिलाना चाहिए। ये स्टालिन जो है मुका स्टालिन, वो भी क्या है, इसको पर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ का MLA MP सब भी इसमें जोर देना चाहिए। जल्दी से जल्दी उस गुंडे लोगों को, वो जातिवादी लोगों को अरेस्ट किया जाए, ये हमारा मांग है। जय भीम साथियों, धन्यवाद। काइंडली लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।